चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटनाचक वार्षिकांक 2019 के बारे में। तो आप लोगों को बता दें, हम लोग पिछले लेक्चर तक जो जितना भी पढ़ा हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम प्रमुख रिपोर्टें देखी थी जो पिछले लेक्चर में। अब इसमें बात करने वाले हम लोग वैश्विक सूचकांकों के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें, ये सभी लेक्चर जितने भी बने हुए हैं समसामयिक की घटनाचक्र से संबंधित, तो ये सभी आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है आपकी अपनी प्लेलिस्ट सूची में। समसामयिक की घटनाचक्र 2019 के नाम से एक सूची बनी हुई है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग वैश्विक सूचकांक के बारे में। सबसे पहले बात फोर्स इंडिया रिच लिस्ट 2019। 10 अक्टूबर 2019 को फोर्ब्स द्वारा 100 भारतीय धनाढ्यों की सूची इंडिया रिच लिस्ट 2019 की जारी की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी 51.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पुनः सर्वाधिक धनी भारतीय रहे। गौतम अडानी 15.7 बिलियन तथा हिंदुजा बंधु 15.6 बिलियन डॉलर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पालोन जी मिस्ती 15 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर, जबकि उदय कोटक 14.8 बिलियन डॉलर को पांचवा स्थान मिला है, ठीक है, उदय कोटक को। जहां बायजू रविंदन 1.91 बिलियन डॉलर सबसे कम उम्र के 38 साल के सर्वाधिक धनी भारतीय रहे। 5.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल सर्वाधिक धनी भारतीय महिला है, ठीक है। समग्र रूप से 20वीं स्थान मिला है इनकी, इनकी सामान्य रैंक है 20वीं, ठीक है। तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, ठीक, महिलाओं में सबसे सावित्री जिंदल, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन टूरिज्म हाइलाइट्स 2019। अगस्त 2019 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा टूरिज्म हाइलाइट्स 2019 के नाम के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर सकल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर्यटक आगमन 1.4 बिलियन रहा, जो वर्ष 2017 की तुलना में 5% अधिक है। विगत वर्ष की तुलना में 4% वृद्धि के साथ वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से कुल निर्यात 1.7 बिलियन डॉलर रहा। अब पर्यटन रसायन एवं ईंधन के बाद तीसरा सर्वाधिक बड़ा निर्यात मद है। वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में फ्रांस शीर्ष स्थान पर रहा, 89 मिलियन पर रहा, जबकि स्पेन 83 मिलियन और संयुक्त राज्य अमेरिका 40 मिलियन पर क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से आय के संदर्भ में 214 बिलियन डॉलर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि स्पेन 74 बिलियन डॉलर और फ्रांस 67 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अब बात करते हैं फॉर्च्यून 40 अंडर 40, ठीक है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अक्टूबर 2019 में फॉर्च्यून 40 अंडर 40 सूची जारी की गई है। इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के उन युवाओं को जगह दी गई है जिन्होंने अपने काम से अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया है। इस सूची में दो भारतीय यथा इंटेल के वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर एंड आईलेब अर्जुन बंसल, फैशन प्लेटफॉर्म जिलेंदो के सीईओ अंकिति बॉस, तो याद रखिए अर्जुन बंसल और अंकिति बॉस को भी शामिल किया गया। फिर है हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2019। 25 सितंबर 2019 को हुरोन रिपोर्ट इंडिया और IIFL वेल्थ द्वारा हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2019 जारी की गई है। यह इस रिपोर्ट का 8वां संस्करण है, जिसका पहला संस्करण वर्ष 2012 में जारी किया गया था। इस सूची में भारत में जन्मे या भारत में पले बड़े ऐसे भारतीयों को शामिल किया गया जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1000 करोड़ रुपया उससे अधिक है। इस रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 3,80,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लगातार 8वें वर्ष सबसे अमीर भारतीयों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। 1,86,000
86,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ एसपी हिंदुजा इस परिवार इस वर्ष अनिवासी भारतीयों एनआरआई में सर्वाधिक अमीर बने हुए हैं। समग्र रूप से दूसरा स्थान मिला है, जहां महिलाओं में 36,800 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी नडाल नोस्टिन नडार एससीएल सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला है। वहीं 3,80,700 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अंबानी परिवार सबसे अमीर भारतीय परिवार भी है। 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ओ रूम्स के रितेश अग्रवाल सबसे कम उम्र 25 वर्ष के अरबपति हैं। मीडिया नॉट नेट के दिव्यांग तुराकिया उम्र 37 वर्ष 40 साल से कम उम्र के सबसे अमीर भारतीय हैं। बात करने वाले हम लोग मानव विकास सूचकांक 2018। 14 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। वर्ष 2018 के इस सूचकांक में 189 देशों को शामिल करते हुए 2017 में मानव विकास की दृष्टि से उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। मानव विकास सूचकांक 2018 में 0,953 एचडीआई मूल्य के साथ नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर है आयरलैंड, फिर है जर्मनी। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2018 में सबसे निचले स्थान पर है 189वें नाइजर। ठीक है, इस वर्ष भारत ने 130वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। भारत मध्यम मानव विकास वाली देशों की श्रेणी में शामिल है। बात करने वाले हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019। 12 सितंबर 2019 को फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 162 देशों को उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के अनुसार वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। वर्ष 2017 के आंकड़ों पर आधारित रैंकिंग में विश्व में आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में शीर्ष 3 देश हैं हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड को रैंक 3 मिली हुई है। ठीक, इस सूची में सबसे कम आर्थिक स्वतंत्रता वाले 3 क्रमशः देश हैं वेनेजुएला 126वां मिली है, लीबिया 161वीं और सूडान 160वीं। भारत को इस सूची में 79वीं रैंक मिली हुई है। ठीक है, फिर फोर्च्यून ग्लोबल 500 2019 500 2019। जुलाई 2019 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून ने विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची जारी की है। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में शामिल विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों ने वर्ष 2018 में कुल 32.7 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व तथा 2.15 ट्रिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर है, जबकि समग्र रूप से यह 82,331.20 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 106वें स्थान पर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 77,587 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 117वें स्थान पर है। वाइल्ड एंड नेचुरल गैस 61,420.40 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 160वें स्थान पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 42,286 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 236वें स्थान पर है। टाटा मोटर्स 43,599.20 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 265वें स्थान पर। भारत पेट्रोलियम 42,935.60 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 275वें स्थान पर है। राजेश एक्सपोर्ट 25,142.60 मिलियन डॉलर राजस्व के साथ 495वें वे स्थान पर है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं उच्चतम भुगतान पाने वाले 500 हस्तियों की सूची फोर्ब्स ने जारी की है।
10 जुलाई 2019 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2019 जारी की गई है। इस सूची में प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप गायक का टेलर स्विफ्ट 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात अमेरिकी मॉडल काइली जेनर 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर है। इस सूची में भारत से केवल एक मशहूर हस्ती को शामिल किया गया है, वो है अक्षर कुमार, 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ 33वें स्थान पर है। सूची में सबसे कम उम्र 20 वर्ष की मशहूर हस्ती कनाडाई गायक शॉन मेंडिस 38 मिलियन यूएस डॉलर के साथ 98वें स्थान पर रही, जबकि इस सूची में सबसे अधिक उम्र की मशहूर हस्ती पॉल मैककर्टनी 77 वर्ष की हैं, 48 मिलियन यूएस डॉलर के साथ 62वें स्थान पर रही। ठीक है, अब बात करने वाले हैं एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019। जून 2019 में वैश्विक सलाहकार कंपनी एंड किनो वैश्विक सलाहकार कंपनी एटी की ने द्वारा एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 जारी किया गया। यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो एफडीआई वरीयताओं पर संभावित राजनीतिक आर्थिक नियामक परिवर्तनों के प्रभाव को दिखाता है। इस सूचकांक में 25 देशों अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। विगत 7 वर्षों में इस वर्ष की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, जबकि जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर रहे। भारत की बात करें तो 2018 के मुकाबले इस वर्ष की सूची में 5 पायदान नीचे गिरकर 16वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। जहां वर्ष 2018 की सूची में 11वें स्थान पर था, वहीं 2017 में ये 18वें स्थान पर था, इस बार 16वें स्थान पर। ठीक, बात करने वाले हैं ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2019। 25 मार्च 2019 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रभावी ऊर्जा पारगम को प्रोत्साहन नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण विकसित किया गया है। यह रिपोर्ट मिकेंसे एंड कंपनी की विश्लेषणात्मक समर्थन से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट भविष्य की ऊर्जा को आकार देना है। यह विश्व आर्थिक मंच की पहल का एक भाग है। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत ऊर्जा पारगमन सूचकांक में ऊर्जा त्रिकोण के आधार पर 115 देशों की ऊर्जा प्रणालियों का मापन किया गया। ऊर्जा त्रिकोण के तहत 3 घटक ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच, आर्थिक विकास एवं वृद्धि तथा पर्यावरणीय सतर्कता शामिल हैं। ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2019 में पहला स्थान स्वीडन को प्राप्त है, जबकि स्विट्जरलैंड और नॉर्वे का स्थान दूसरा और तीसरा है। हैती को अंतिम 115वां स्थान मिला है। सूचकांक में भारत को इस वर्ष 76वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष 78वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत ऐसे देशों में शामिल है जिसमें प्रदूषण का स्तर उच्च है और इसकी ऊर्जा प्रणाली में अपेक्षाकृत उच्च CO2 गहनता है। इसलिए भारत को उच्च प्रदूषण स्तर वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व की नैतिक कंपनियों की सूची 2019। 27 फरवरी 2019 को टाटा स्टील को एथिस्फियर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 2019 के साथ ही टाटा स्टील को कुल 8 बार धातु खनिज और खनन श्रेणी में मान्यता मिल चुकी है। इस वर्ष 2019 में कॉरपोरेट नागरिक पारदर्शिता और अखंडता के मानकों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व की 128 कंपनियों को सबसे नैतिक कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है। सभी 128 कंपनियों 21 देशों और 50 उद्योगों से संबंधित हैं। पहली बार यह सम्मान पाने वाली कंपनियों की संख्या 16 है। टाटा स्टील के अतिरिक्त भारत की एक अन्य सूचना तकनीकी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी विप्रो इस सूची में शामिल है। अब बात करने वाले हैं अरबपतियों की फोर्ब्स द्वारा सूची 2019। 5 मार्च 2019 को विश्व भर में अरबपतियों की 33वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2019 जारी की गई। इस सूची में शामिल विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति
उनकी निवल संपत्ति $8.60 ट्रिलियन है। इस वर्ष की सूची में 131 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे धनी व्यक्ति अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, याद रखना ठीक। इस सूची में $96.5 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स दूसरे स्थान पर है तथा $82.5 बिलियन के साथ वॉरेन बफेट तीसरे स्थान पर हैं। अरबपतियों की सूची में विश्व की सबसे धनी महिला फेंक्वेस बेटेनकोट मेयर्स हैं। यह $49.3 बिलियन की संपत्ति के साथ 15वें स्थान पर हैं। सबसे वृद्ध अरबपति सिंगापुर के चांग यून चोंग हैं, 100 वर्षीय, $2.1 बिलियन संपत् ति के साथ 1116वें स्थान पर हैं। विश्व की सबसे युवा अरबपति काइली जेनर 21 वर्षीय हैं, जो $1 बिलियन की संपत्ति के साथ 2057वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2019 में सर्वाधिक अमीर भारतीयों में मुकेश अंबानी $50 बिलियन की संपत्ति के साथ 13वें स्थान पर हैं। विगत सूची में यह 19वें स्थान पर थे। भारतीय महिलाओं की बात करें तो अरबपतियों में सावित्री जिंदल शीर्ष स्थान पर है ठीक है भारत में। अब यहीं देख लेते हैं हम लोग सूक्ष्म दृष्टि जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तत्व। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड तथा विश्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान से में ऊर्जा दक्षता में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2019 का आयोजन किया गया है 11 से 12 नवंबर 2019 के मध्य मुंबई में। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड तथा विश्व बैंक के संयुक्त तत्वाधान में ऊर्जा दक्षता में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2020 का आयोजन किया जाएगा 8 से 10 नवंबर 2020 के मध्य हैदराबाद में, याद रखना। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा इंडस्फूड 2019 का आयोजन किया जाएगा जनवरी 2020 में ग्रेटर नोएडा में। दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक मुंबई में। दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 की थीम होगी कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। दुबई वर्ल्ड एक्सपो 2020 में शामिल विषय है अवसर गतिशीलता और निरंतरता। 14 से 27 नवंबर 2019 के मध्य 29वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 का आयोजन किया गया, तो याद रखना प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 29वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 की थीम है व्यापार करने में सहजता। 12वां वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया 6 से 7 नवंबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में। मूडीज द्वारा अपनी रिपोर्ट ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 में भारत की विरासत दर विकास दर को वर्ष 2020 तथा 21 के लिए अनुमानित है, तो याद रखना क्रमशः 6.6% तथा 6.7%। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के जिन राज्यों में ATM फ्रॉड धोखाधड़ी का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया हुआ है, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ठीक। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन किया गया, तो 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2019 के मध्य नई दिल्ली में। अगला 27 से 28 सितंबर 2019 के मध्य ग्रामीण नव प्रवर्तक और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती संस्थान हैदराबाद में। 26 सितंबर 2019 को केंद्रीय बैंक द्वारा निवेश हेतु एक ओपन एंडेड फंड ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा BIS द्वारा। 13 से 14 सितंबर 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजित हुआ है काठमांडू नेपाल में। 16वीं भारत आसियान आर्थिक मामले के मंत्रियों की बैठक 2019 आयोजित की गई 10 सितंबर 2019 को बैंकॉक थाईलैंड में। 6 से 15 सितंबर 2019 के मध्य 88वें इजमीर अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया है तुर्की में।
88वें अजमेर अंतर्राष्ट्रीय मेले का भागीदार देश रहा है चीन। 4 से 6 सितंबर 2019 के मत 5वीं पूर्वी आर्थिक मंच 2019 आयोजित हुआ है रूस के व्लाडिवोस्टक में। अगस्त 2019 में चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम से जुड़ने वाले सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक संघाई शाखा से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ चाइना को देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई 1 अगस्त 2019 को। जुलाई 2019 में भारत रूस रणनीतिक आर्थिक संवाद की दूसरी बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि के की नीतिगत रूपरेखा जिसे जुलाई 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में जारी भारत के सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची में ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2019 में लगातार दूसरे व शीर्ष स्थान पर काबिज है। टाटा ग्रुप LIC दूसरे पर और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर। जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 एवं 20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है, तो याद रखना क्रमशः 7% एवं 7.2%। ठीक है, जुलाई 2019 में जारी IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2018 में वैश्विक वृद्धि दर 3.6% थी, वहीं वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित है, तो याद रखना क्रमशः 3.2% एवं 3.5%। अगला है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS द्वारा जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 के समान ही रहेगी 6.8%। जून 2019 में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक में जमा कराए गए धन के संदर्भ में शीर्ष देश है ब्रिटेन, कुल जमा का धन का 26%, अमेरिका दूसरे स्थान पर। स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा रखे जाने वाले धन के मामले में भारत का स्थान 74वां है, विगत वर्ष में 73वां था। स्विस बैंकों में विश्व भर के लोगों द्वारा जमाए किए गए धन में भारत का हिस्सा है मात्र 0.07%। हाल ही में ह्यूमन रिसोर्स फर्म टीम लीज सर्विसेज द्वारा विकसित रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग इकोनॉमी के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान है, क्रमशः दिल्ली तथा बेंगलुरु का। नेपाल फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट एक्सपो एंड कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन किया गया है 15 से 16 मई 2019 के मध्य काठमांडू नेपाल में। विश्व का पहला इस्लामिक बैंक जिसने अप्रैल 2019 में व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग की शुरुआत की है अमीरात इस्लामिक बैंक दुबई। मई 2019 में राजस्व के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL। 8 मई 2019 को रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CII एक्जिम बैंक के 14वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है 17 से 19 मार्च 2019 के मध्य नई दिल्ली में। देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय प्रभावी हुआ है 1 अप्रैल 2019 से। मई 2019 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2019 के अनुसार विश्व के सबसे महंगे शहर जिन्हें आयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्रदान किया गया जिनमें सिंगापुर पेरिस हांगकांग ज्यूरिक तथा जेनेवा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2019 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक महंगे शहरों की सूची में अंतिम स्थान 133 पर रहा काराकस वेनेजुएला की राजधानी। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2019 के अनुसार विश्व के 10 सबसे
शहरों सस्ते शहरों की सूची में भारत के शहर हैं क्रमशः बेंगलोर 129, चेन्नई 125, नई दिल्ली 123वें स्थान पर। 22 से 23 फरवरी 2019 को 5वें इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। फरवरी 2019 में वैश्विक स्तर पर शून्य मूल्य के 12 नोट जारी करने का निर्णय लिया है UAE ने की कंपनी नूमी सबिंग सबू ने। दिसंबर 2018 में उच्चतम मूल्य वर्ग 200 से 2000 रुपये तक के नोट की भारतीय मुद्रा को अपने देश में प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है नेपाल सरकार द्वारा। सतत नीली अर्थव्यवस्था का प्रथम वैश्विक सम्मेलन सतत नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ है 26 से 28 नवंबर 2018 के मध्य नैरोबी केन्या में। अक्टूबर 2018 में विश्व का पहला सोवरन ब्लू बॉन्ड जारी किया गया है द्वीपीय राष्ट्र सेशल्स द्वारा। मार्च 2019 में ब्रांड परामर्शदाता कंपनी इंटरब्रांड द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांड 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है टाटा को, रिलायंस को दूसरा स्थान। मार्च 2019 में monster.com द्वारा जारी मॉन्स्टर वेतन सूचकांक के अनुसार भारत में लैंगिक वेतन अंतराल 29% भारत के प्रति घंटे के हिसाब से महिलाओं की तुलना में पुरुषों को वेतन 46.19 रुपये अधिक मिलता है। लिंग के आधार पर सबसे कम वेतन अंतराल मात्र 2% वित्तीय सेवा क्षेत्र में बैंकिंग बीमा में है। ITs विनिर्माण क्षेत्र सामाजिक कार्य देखभाल सेवाओं आदि में पुरुषों का वेतन महिलाओं की तुलना में क्रमशः है 26%, 24% तथा 21%। फरवरी 2019 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2019 की पहली सूची में भारतीय बैंक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। निजी क्षेत्र की बैंक HDFC को SBI को 11वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं आगे भारतीय कृषि में सुधार हेतु मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकारी समिति संबंधित होती है नीति आयोग से संबंधित होगी नीति आयोग। भारत का पहला बैटरी चलित संवाद मूल क्रेडिट कार्ड जारी किया गया नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड एंड साइंड बैंक द्वारा इंडस एंड बैंक द्वारा। दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है विमल जलान की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये था हमारा वैश्विक सूचकांकों से संबंधित जो बांट रहे हैं जो तथ्य उन सबको देखिए। ठीक है, अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में समसमय की घटना चक्र में। अगला हमारा चैप्टर होगा वैज्ञानिक परिदृश्य। ठीक,